क्योंकि उस तो पहला ये पैसे खाते थे लोगों को लोन कराने के, जो मैं मना मेरे को पैसे पैसे मैंने लैन भेज देंगे जी, फलाने बंदे को पैसे लिया, चंगे बंदे को पैसे लिया, इन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, कहने बैंक ने अंदर नहीं बढ़ दिता है। निजी कंपनियां नू नहीं है सरकारी फैसलों की परवाह, निजी कंपनियां वाले उड़ाते ने किमें सरकारी फैसले दियां तज्जियां, उन्होंने किसे दी कोई परवाह नहीं है। निजी कंपनियां वाले किस तरह एक नौजवान नू मरन ले मजबूर करते ने, लॉकडाउन के दिनों दे विच जिथे भारत के प्रधानमंत्री ते पंजाब दे मुख मंत्री ये दावे करते ने कि पंजाब दे विचों प्राइवेट कंपनियां दे विच जिन्ने भी करिंदे काम करते ने उन्होंने नौकरी चों बाहर नहीं कढ़िया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद किसनू है परवाह सरकार दे फैसलियां दी। अज इस दुनिया नू एक होर नौजवान हमेशा लई अलविदा कह के इस दुनिया तो चला गया, उस नौजवान का कसूर की सी? उस नौजवान का कसूर इन्ना सी कि वह एक निजी कंपनी दे विच बतौर इंप्लाइज काम करता सी, उसका कसूर सी कि उसने उस कंपनी नू अपनी जिंदगी दे अपने रुझेवें छड़ के वह कंपनी नू दिते, उसका कसूर सी कि जो वक्त उसने परिवार नू देना सी वह वक्त एक निजी कंपनी नू दिता है जिथे वह काम कार कर रहा सी। दोस्तों बेअथा फैसले आते ने, बेथा अनाउंसमेंट्स होंदियां ने, लेकिन वो अनाउंसमेंट सरकारां दियां कित्थों तक ये लोग सीरीयसली लेंदे ने ये तुसीं वेख ही रहे हो। अज एक नौजवान इस दुनिया नूं हमेशा लई अलविदा कह के चला गया, वो नौजवान मापियां दियां अखां दा तारा सी, मापियां दे बजुर्ग मापियां दे बुढ़ापे दा सहारा सी, उस नौजवान ते बहुत सारे परिवारक मैंबरां नूं आसां सी, भैणां दा ओ वीर जो हमेशा गुट ते रखड़ी बनदियां महसूस करदियां सी कि असी इस वीर दियां भैणां हाँ, लेकिन अज ओ रोंदे करलाउंदे परिवार नूं छड़ के हमेशा लई इस दुनिया नूं अलविदा कह के चला गया। एक निजी कंपनी ने जदों उस नूं नौकरी तो निकाल दिता तां उस तो ये दुख झल्लिया नहीं गया, वो अपने आप चो बारा हो गया, उसने महसूस किया कि शायद हुण मेरी जिंदगी खत्म ही हो गई है, और अपनी जिंदगी नो हमेशा ले खत्म करन तो पहला उसने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो दे विच उसने पूरा दुख बयान किया, इस कंपनी ले मैं किस तरह लेबर कीती है, मेहनत कीती है, लेकिन लॉकडाउन के दिनों दे विच जदों मैनू कंपनी की जरूरत सी तां इन्हां ने इक्को ही झटके दे विच मैनू नौकरी तो बाहर कढ दित्ता है। प्रशासन तो मंग भी कीती है कि मैनू इंसाफ चाहिदा है, लेकिन आखिर वीडियो बना के उस नौजवान ने नदी विच छाल मार दित्ती ते अपनी जिंदगी हमेशा लई खत्म कर दित्ती। दोस्तों इस संसार दे विच पता नहीं किन्ने लोग परेशान ने, लेकिन परेशानी का अंत खुदकुशी नहीं है, परेशानी का अंत है उन्हां परेशानियां नाल लड़ना, उन्हां परेशानियां का डट के मुकाबला करना, खुदकुशी करना कोई अंत नहीं है। निजी कंपनियां वालियां नूं हुण हत्थां पैरां दी पई होई है कि उन्हां दे ऑफिस दे विच कम करन वाला वो नौजवान अज साडे करके इस दुनिया नूं हमेशा लई अलविदा कह गया। हुण वेखना है कि प्रशासन इस परिवार दी की मदद करदा है, कि उस नौजवान नूं इंसाफ मिल पाएगा, जां फिर यह भी एक आम वीडियोज़ जिवें वायरल हुंदियां ने वह वायरल वीडियो समझ के इस नूं खुंजे ला दिता जाएगा। प्रशासन ते आने वाले दिनों विच चुके जाणगे सवाल जेकर उन्होंने इस परिवार को ना दिता इंसाफ। एड्रैस 10905/2 न्यू सुभाष नगर बस्ती योधेवाल का रहने वाला सी, मैं सानेवाल आई सी ब्रांच में काम करता गोल्ड लोन का,
ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਗਏ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਧਿੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਆਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਰੋਹਿਤ ਦਵੇਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਆਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਰ ਐੱਮ ਐ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿਖਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ,